मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर तस्वीरें लगभग अब साफ हो चुकी है। रुझान में बीजेपी को 2/3 से अधिक बहुमत मिलता दिख रहा है। अब तक बीजेपी 77 सीटें जीत चुकी है और 87 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 19 सीटें जीत चुकी है और 46 सीटों पर कांग्रेस अभी आगे चल रही है। बता दें कि बहुमत के लिए मध्य प्रदेश में 116 सीटें चाहिए। इस चुनाव में एक रोचक यहां पर भी है कि सपा बसपा आप या निर्दलीयों का खाता तक नहीं खोल पाया है। बीजेपी कांग्रेस के बाद में भारत आदिवासी पार्टी की एकमात्र सीट आई है, उसने यहां पर खाता खोला है, जिसके बाद प्रत्याशियों ने जीत कर मध्य प्रदेश में एंट्री की है। सैलाना से पार्टी ने कमलेश्वर डोडियार को यहां से उतारा था, जिन्होंने 4,618 वोटों से जीत दर्ज की है। और बता दें कि पिछली बार मध्य प्रदेश में 4 निर्दलीय समेत 2 बसपा और 1 सपा प्रत्याशी ने जीत दर्ज की थी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 5 मंत्री हार चुके हैं, 8 लगातार पीछे चल रहे हैं। मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते 11,000 वोटों से हार गए हैं, ये बड़ा मार्जिन माना जा रहा है। राज्य के 31 में से 8 मंत्री फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जबकि 5 मंत्री को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के 7 में से 4 सांसद बढ़त बनाए हुए हैं। और बता दें कि सैलाना में भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार ने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को हराया है। और बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी संगीता चारोल तीसरे नंबर पर यहां पर रही है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस को अपना कद दिखा दिया है, तो लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए हैं। ये प्रचंड बहुमत की ओर है बीजेपी, और 2/3 से अधिक बहुमत बीजेपी को मिलता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लाडली बहना ने भैया की नैया पार कर दी है। मोदी मैजिक और लाडली बहना दो फैक्टर यहां पर मध्य प्रदेश में रहे, जिसने बीजेपी को इतना प्रचंड बहुमत दिया है। और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि लाडली बहना को गेम चेंजर बताते हुए भोपाल में कहा कि ग्वालियर चंबल समेत प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को अपना कद दिखा दिया है। वहीं जीत की वजह लाडली बहना के सवाल पर कैलाश विजयवर्गीय भड़क उठे। उन्होंने कहा कि इंदौर में, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में तो लाडली बहना नहीं है, लेकिन वहां भी हमें जीत मिली है और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्मे की जीत है, यह बड़ा बयान उन्होंने दिया। इसी बीच कमलनाथ ने कहा कि हम खामियों का विश्लेषण करेंगे। कमलनाथ ने कहा कि इस मुकाबले में हम मध्य प्रदेश के मतदाताओं का फैसला स्वीकार करते हैं। आज विरोधी दल के नाते हम अपने कर्तव्य पर डटे रहेंगे। मैं बीजेपी को जीत की शुभकामना देता हूं। हम खामियों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि हमने मतदाताओं को अपनी बात समझा नहीं पाए हैं, क्या कुछ रहा है, पार्टी का क्या कुछ मसला रहा है। ये सारी चीजें हम बैठकर सुलझाएंगे और रणनीति बनाएंगे आगे की। तो ये जीत के बाद कमलनाथ ने बीजेपी को शुभकामनाएं दी और कहा कि हम अब अपनी हार का विश्लेषण करते हैं, ईमानदारी से अपनी हार स्वीकार करते हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी लगातार 2/3 बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और ये प्रचंड बहुमत है बीजेपी को। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, जहां पर बीजेपी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। तकरीबन 2/3 से ज्यादा बहुमत बीजेपी को मिलता दिख रहा है। हालांकि रुझानों में बीजेपी पहले पिछड़ी, कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर हुई, लेकिन दोपहर के बाद में तस्वीरें एकदम साफ हो गई, कोई टक्कर नहीं दिखाई दी, बिल्कुल एक तरफा ये जीत दिखाई दी। बीजेपी दोपहर के बाद से जो लीड बनाई बीजेपी ने, वो शाम तक लगातार बरकरार है। बीजेपी कहीं भी किसी भी राज्य की यह सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। और रुझान में भाजपा को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है। अभी तक बीजेपी 77 सीटें जीत चुकी है और बीजेपी 87 सीटों पर आगे है। कांग्रेस 19 सीट पर जीत गई है, 46 सीट पर आगे चल रही है। बहुमत के लिए 116 सीट चाहिए। इस चुनाव में यह रोचक यहां पर है कि सपा और बसपा आप निर्दलियों का खाता तक नहीं खोल पाया है। बीजेपी कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी यानी कि BAP एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर मध्य प्रदेश में एंट्री की है।
और हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से एससी मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी सूरज खरे जी हमारे साथ में जुड़ गए। सूरज जी आपका बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन इस प्रचंड बहुमत को आप किसका श्रेय देना चाहेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ी जीत, अभी तक की सबसे बड़ी जीत मानी जा रही है बीजेपी पार्टी की? लाडली बहना, मोदी मैजिक या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा? आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे जोड़ा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन ने और लाडली बहनाओं ने साबित कर दिया है कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वो 15 महीने की जो सरकार थी, उस 15 महीने की सरकार के अंदर सागर में अनुसूचित जाति के हमारे उस भाई को जिंदा पेट्रोल डाल के जला दिया गया था, मार दिया गया था, कोई देखने नहीं पहुंचा, उसको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं। ये हमारे अनुसूचित जाति का एक जो बहुत बड़ा समाज है उसने ये देखा। हमारी लाडली बहनाओं ने जो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी की जो मंशा है, जो हमारी बेटियों के प्रति, हमारी भांजियों के प्रति, हमारी लाडली बहनाओं के प्रति, हमारे बुजुर्गों को, आपने देखा होगा एक समय था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के हेलीकॉप्टर में और प्लेन के अंदर केक कटते थे, आज उसी है एरोप्लेन के अंदर बैठकर हमारे मध्य प्रदेश के बुजुर्ग जो है वो तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से तीर्थ दर्शन क्षेत्र में जाते हैं। और निश्चित तौर पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जीत है ये मध्य प्रदेश की लगभग 8.5 करोड़ जनता, जो अपना 2011 का जो हमारा सर्वे था 7,26,26,809, जो अब लगभग 8.8 करोड़ जन हमारा हो गया है, ये जो जीत है ये प्रधानमंत्री आयुष्मान की जीत है। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो कुटी के तहत जो राशि उनके सीधे बैंक के खाते में जो पहुंची, और गरीबों के, एक समय था कि कांग्रेस के बड़े नेताओं के मकान हुआ करते थे लेकिन एक गरीब का आवास नहीं बन पाता था, मकान नहीं बन पाता था, उसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सीधे उनके खाते में वो राशि डालने का जो काम किया है, आप खुद देखेंगे। आप जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम योजनाएं चल रही है मध्य प्रदेश वासियों के लिए, इसका भी एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं लाडली बहना का भी फैक्टर रहा, मोदी मैजिक का भी फैक्टर रहा। और एक हम ये पॉइंट देखते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने कमर तोड़ मेहनत की है मध्य प्रदेश में जमीनी स्तर पर, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस में कम देखने को मिली, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने इतनी मेहनत नहीं की जितनी की बीजेपी के नेताओं ने की। लेकिन यहां पर एक बात और सामने आ रही है कि बीजेपी के कई कद्दावर नेता है वो हारते दिखाई दिए। अगर हम बात करें कमल पटेल की, जो कि हरदा से अभी विधायक थे, मंत्री थे, वो हार गए, नरोत्तम मिश्रा जी हार गए, ऐसे एक दो नाम और फग्गन सिंह कुलस्ते जी हार गए, इनकी हार का कारण क्या हो सकता है? क्या जनता ने इनको नहीं चुना या फिर यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चला? चाह रहे थे कि भगवान राम, जो कांग्रेस की पार्टी हमेशा भगवान श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ी करती रही, जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हिंदुत्व और राष्ट्रवादी जो हमारी विचारधारा है हमेशा उसका विरोध किया, आज भगवान श्री राम उनको याद आए, आज उन्होंने अपने कांग्रेस कार्यालय पर भगवान श्री राम की तस्वीर लगाई। जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने पूरे सूरज जी मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, मंदिर बनेगा बिल्कुल देश में दंगा हो जाएगा। सूरज जी मैं आपसे यह जानना चाह रहा था कि 5 मंत्री फिलहाल हार चुके हैं, 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते समेत कई मंत्री ऐसे हैं जिनके नाम आपको गिना दूं, नरोत्तम मिश्रा जी, कमल पटेल जी, ऐसे नेता है जो चुनाव हार चुके हैं और सांसद भी कुल पीछे चल रहे हैं, इनकी हार का कारण क्या हो सकता है? क्या जनता ने इनको नकारा है यहाँ या यहाँ पर मोदी मैजिक नहीं चला? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमतों के आधार पर जनता जनार्दनों के जो जनता का जो हमारे मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी और सरकार की जो योजना है उसके प्रति जो प्रेम है, आज हमारे मध्य प्रदेश में 2023 में सरकार बनी है। मैं बताना चाहूंगा, जहां आपको लग रहा है आप जो फिगर बता रहे हैं, निश्चित तौर पर वहां पर और मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत करें। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए सूरज जी आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। तो हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों पर तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी है, रुझान में बीजेपी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलता दिख रहा है। अब तक बीजेपी 77 सीटों पर जीत चुकी है और 87 सीटों पर आ गई है।
कांग्रेस 19 सीटें जीत चुकी है, 46 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए। इस चुनाव में एक रोचक बात यह निकलकर सामने आई कि सपा बसपा आप या निर्दलियों का खाता तक नहीं खोल पाया है, सभी पार्टियों का यहां पर सफाया बीजेपी ने कर दिया है। बीजेपी कांग्रेस के बाद भारत आदिवासी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने प्रदेश में एंट्री की है, एक सीट जीती है यहां पर सैलाना से पार्टी के कमलेश्वर डोडियार, यहां से 4618 वोटों से जीते हैं। और ये बड़ी खबर आपको बता दें मध्य प्रदेश से, और इसमें एक फैक्ट ये भी है कि 5 मंत्री और 8 विधायक फिलहाल यहां से पीछे चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्तेहारे वो लगभग 11,000 वोटों से चुनाव हार चुके हैं। राज्य के 31 में से 8 मंत्री फिलहाल पीछे चल रहे हैं, जबकि 5 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है। बीजेपी के 7 में से 4 सांसद बढ़त बनाए हुए हैं। सैलाना में भारत आदिवासी पार्टी के कमलेश डोडियार ने कांग्रेस के हर्ष विजय गहलोत को हराया है। तो फिलहाल ये लाइव अपडेट हम आपको मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की बता रहे हैं।